नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइट लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरें बताते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉप न्यूज। दिल्ली के आबकारी नीति केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में। सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है। सिसोदिया के अलावा सीबीआई की चार्जशीट में बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडे, अमनदीप ढाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता का नाम भी शामिल है। आरजेडी ने बिहार में नई प्रदेश कार्यकारिणी गठित कर दी है। रणविजय साहू को आरजेडी का प्रदेश प्रधान महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा 18 प्रदेश उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जिसमें तनवीर हसन, सुरेश पासवान, शिवचंद्र राम, अनिल सहनी, अशोक कुमार सिंह समेत अन्य नाम शामिल हैं। प्रदेश युवा राजद की कमान शशि शंकर उर्फ राजेश यादव को सौंपी गई है। ऋतु जायसवाल को आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में छात्र राजद की जिम्मेदारी गगन कुमार संभालेंगे। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मंगलवार को नई प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी की। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के आदेश को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर मायावती पर आनंद मोहन का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती के आरोपों पर करारा जवाब दे दिया है। आनंद मोहन ने साफ तौर पर कह डाला है कि कौन मायावती हम नहीं जानते। उन्होंने कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा में कलावती का नाम सुना था। आनंद मोहन ने कहा कि एक मजबूत ऑपोजिशन होना चाहिए, समय आने दीजिए, आगे की राजनीतिक राह तय करेंगे, अपने साथियों के साथ बैठकर फैसला करेंगे। 3 दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत मिली है। इसके साथ ही कई राजनीतिक दलों और खापों का समर्थन भी मिल रहा है। अब बजरंग पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फेडरेशन पर बड़े आरोप भी लगाए हैं और पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमारा विश्वास और बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। बजरंग पुनिया ने कहा कि मुझे नहीं पता कि पुलिस एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर कर रही है, पुलिस किस दबाव में है। वहीं बजरंग पुनिया ने फेडरेशन के लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जिन लड़कियों ने शिकायत दर्ज की उनको जान को खतरा है। फेडरेशन के लोग उनके घरों पर पैसा लेकर पहुँच रहे हैं, हमें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े मामले में बिहार के कई जिलों में एनआईए ने मंगलवार तड़के छापेमारी की। एनआईए की टीम दरभंगा, मोतिहारी, मधुबनी, कटिहार और सीवान पहुंची। जांच एजेंसी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों के करीब 17 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम 2023 यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। हाई स्कूल में 89.78% रिजल्ट रहा। 86.64% लड़कों ने सफलता पाई, जबकि 93.34% छात्राएं सफल रही। इंटरमीडिएट में 75.52% रिजल्ट रहा। 69.54% लड़के सफल रहे। पूंछ में सेना के ट्रक पर हुए आतंकी हमले की 2 तस्वीरें मंगलवार को सामने आई है। यह तस्वीर हमले की जिम्मेदारी लेने वाले संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने जारी की है। फोटोज 24 अप्रैल को जारी किए गए। इन पर आतंकवादी संगठन ने लिखा, नजरें शिकार पर। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का ऐलान कर दिया गया है। कुल 19 मुख्य कैटेगरी में नॉमिनेशन के साथ तकनीकी और गैर तकनीकी कैटेगरी में कई पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। इस साल अवार्ड नाइट को सलमान खान होस्ट करेंगे और उनका साथ आयुष्मान खुराना, मनीष पॉल जैसे सितारे देंगे। वहीं बात करें परफॉर्मेंस की तो विकी कौशल, टाइगर श्रॉफ, गोविंदा से लेकर जानवी कपूर तक इस अवार्ड नाइट में अपनी परफॉर्मेंस से 4 चांद लगा देंगे। मलयालम भट्ट अभिनीत संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी को 10 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है, जिनमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, अग्रणी भूमिका में बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूजिक एल्बम और बेस्ट डेब्यू मेल आदि शामिल हैं। वही विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स ने भी 6 कैटेगरी में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही बधाई दो और ब्रह्मास्त्र भी इस साल की सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पाने वाली फिल्मों में शामिल है। बता दें कि अवार्ड नाइट का आयोजन 27 अप्रैल को मुंबई में होगा।
फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।